जमशेदपुर के जादूगोड़ा क्षेत्र के गांव में रहने वाले खेलाराम मुर्मू 500 किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। 50 एकड़ जमीन में खेलाराम मुर्मू ने सब्जियां लगाई है, जिसकी मांग झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ विदेशों तक जा चुकी है और इसका टर्नओवर लगभग 50 लाख कृषि के व्यापार से है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह ने। गांव का होना और गांव में होना में बहुत फर्क है। अभी हम मौजूद है जादूगोड़ा के एक गांव में, जहां दिखाना चाहते हैं हरियाली का वो दृश्य, जहां लगभग 60 एकड़ में सब्जी उगाई गई है और इससे आसपास के किसानों का भला हो रहा है। ये वो लगभग 60 एकड़ का एरिया है जहां के आसपास के कई खेतों में भिंडी और अन्य सब्जियों की खेती उगाई जा रही है और जहाँ पर इस भिंडी को जमशेदपुर ही नहीं दूसरे राज्यों में भी इसे बेचा जाता है। हालाँकि पिछले 2 वर्ष पहले इस खेत से भिंडी दुबई तक जा चुका है। भिंडी का ये क्वालिटी है जिसे दुबई भी एक्सेप्ट कर रहा है। हम उनसे जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर आपके पास ये उद्देश्य कहाँ से आया कि क्षेत्र में पलायन दूर हो और किसान मजबूत हो। देखिए, सबसे बड़ा कि हम लोग यहाँ गांव घर में रहने के वजह से यहाँ कई बार सुनते हैं और पेपर पत्रिका में देखते हैं कि यहाँ के लोग बाहर जाके काफ़ी उसको शोषण होता है। इसको देखते हुए हमने सहा कि यहाँ पर जमीन होते हुए भी यहाँ शारीरिक संपर्क कर सकते हैं, संपूर्ण है, इसके माध्यम से बहुत प्रकार का यहाँ मार्केटिंग और एक बहुत बड़ा खेती कर सकते हैं और इस उद्देश्य से जो है ना हम लोग उसमें उतरे हैं। और हम आने वाला दिन के लिए हम लोग अभी जो है ना 2 लाख पौधा भी हमने उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को, ताकि उसको सस्टेनेबल के लिए, उसको बचाव के लिए या उसको कम मेहनत में उसको एक सब्जी से फल आ जाएगा। दूसरों की सेवा करने की जो भावना है एक आम इंसान में बहुत कम आज के समय में देखा जाता है, मगर मुर्मू जी हैं जिनके अंदर दूसरों की सेवा करने की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वो बताते हैं कि अपने 60 एकड़ के बागवानी में, इस खेती में लगभग 2 लाख पौधा लगा चुके हैं। ऐसा फलदार वृक्ष कि किसान का खेती से अगर कमर टूट जाए तो फल के पौधे से वो कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। हम उनके एक सहयोगी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि सर ये जो कृषि है इसके क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, कैसे, क्यों? ये देखिए, हमारा मेन मकसद है क्या, जो अंडर प्रिविलेज्ड है उसे, उसका कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाए, वो अपने आप कैसे वेल्थ बढ़ाए आपका। खाली जो हमारा साथ जुड़ा हुआ है वो क्या, कौन कौन है, वो चासी है, वो एग्री, छोटा छोटा फार्मर्स है, इसको सब, ये सब को हम ये ट्राइबल एग लिमिटेड में जोड़ रहे हैं एज शेयर होल्डर। जैसे अगर शेयर होल्डर में अगर वो जितना कंपनी बढ़ती जाएगा सालों साल, 10 साल 15 साल में, ये तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवाएंगे, ये लोग सब शेयर होल्डर का, शेयर का मालिक रहेगा, ये जमीन भी काम करेगा, इसका वेल्थ भी क्रिएट होगा। इससे हम आप मेन स्ट्रीम में लेकर आना चाहते हैं। हाँ, जैसे आप सुना क्या, रिलायंस में जो जो शेयर होल्डर था, हाँ, और ये क्या हफ्ते से जुड़ा हुआ है, अपने आदमी है सब, अपना गांव का आदमी है, अपना आसपास का गांव का आदमी है, लोगों का अपना खेत है यहाँ पे, अपना खेत है, किसी भी करते हैं, फिर आपके साथ क्यों जुड़ेंगे? उसे हम हेल्प, जो मदद करते हैं उसे इनपुट देते, एडवाइस देते, फर्टिलाइजर देते। जाहिर सी बात है, जो किसी भी क्षेत्र में अगर बाजार उपलब्ध हो तो उसका जो सेल होता है वो बढ़ जाता है और किसान अपने जो प्रॉब्लम है उससे वो बच जाता है। मुर्मू जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे इस एड बजे कि आखिर किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? देखिए, इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वो अकेले चलेंगे तो उसको दिक्कत बहुत सला जाए, चैलेंजिंग बहुत उनके पास है और चैलेंजिंग को पूरा करने के लिए हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। हम उनको साथ तब तक चलेंगे जब तक वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती है? गवर्नमेंट का तो देखिए अपना करती है, लेकिन वो अपने स्तर से करती है, लेकिन अब आप तो देख रहे हैं बहुत उसका अच्छा रिजल्ट नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं भाई इस प्रकार से अच्छा रिजल्ट आए तो कल के दिन गवर्नमेंट को हम लिखेंगे भाई इस प्रकार से रिजल्ट अच्छा है तो हो सकता है गवर्नमेंट आगे हाथ बढ़ाएगी मेरे साथ। जाहिर सी बात है, एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ा जाता है। और ये मुर्मू जी थे जो बता रहे थे कि लगभग 500 लोगों को वो रोजगार दे चुके हैं और वैसे किसानों को शेयर होल्डर बना रहे इस व्यवसाय में, ताकि वो आने वाले दिनों में अपने परिवार का भरण पोषण करें। किसान से बात करेंगे कि सर कैसे आपको लाभ मिलता है इनसे? सर, इनका जैसे हम लोग को मार्केट के लिए बहुत असुविधा होती है, तो मुर्मू जी हमारे लिए मार्केट उपलब्ध कराते हैं। बदले में आप क्या करते हैं खेतों में? उनके खेतों में जैसे हम अपने खेतों में भी लगाए हैं, उनके साथ में हम लोग जुड़ करके उनके साथ, उनके जो उद्देश्य है, होता है, हाँ। जमीन आपकी होती है जी सर? टेक्नोलॉजी इनका है, जमीन हमारी है, तो इनके साथ हम लोग जो भी है वो हमें एडवाइस देते हैं, है ना, जो भी गाइड होता है वो सब कुछ देते हैं और उनके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके उद्देश्य भी पूरे हो रहे हैं और साथ में हम भी विकास कर रहे हैं।
जाहिर सी बात है, जब भारत देश का गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और देश गांव मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। इसी समाज की मजबूती के साथ आपको छोड़े चलते हैं जमशेदपुर के जादूगोड़ा से। इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस।